रियल एडवेंचर है जी, इसको कहते हैं रियल एडवेंचर, दिखावा नहीं है। आए हैं ऐसी जगह पर, ये नीचे पूरी देखिए, पूरे नीचे की खाई दिखाई है, सब कितनी लंबड़ी ब्लॉगिंग कर लो। देखो जी, और ज्यादा खतरनाक से खतरनाक रास्ते, 4x4 में चल रही है जी गाड़ी, 4x2 में नहीं चल रही है, यहाँ पर 4x4 तभी निकल रही है गाड़ी। पिछला भैया स्कीड मार जाता, 4x4 लगाते हैं, आराम से इजीली निकल रही है। हाथ के हलने से आपको पता चल रहा होगा कि क्या सिचुएशन है रोड की, और सामने देखो और कितनी छोटी सी पगडंडी है, एक ही गाड़ी जा सकती है। लगी है भाई, सब दो हो जाएगा गाड़ी नीचे बहुत तेज, देखो क्या होता है। इतने खतरनाक रास्ते तो आदि क्लास की यात्रा में भी नहीं है भाई साहब, आदि क्लास की यात्रा हम करके आए हैं, इतने खतरनाक रास्ते नहीं है जितने मुक्तिनाथ जी के रास्ते में। वो ये देखिए, वहाँ हमारी गाड़ी एक आध जगह थोड़ी सी लगी होगी, यहाँ तो कई जगह लग चुकी है, और रास्ते बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। ये देखिए, ये पैदल वाले रास्ते हैं,
जिनमें गाड़ियां यहाँ के लोग भाग ले जाके इन्होंने रास्ता बना दिया। बाहर से अगर निकल के वाली वीडियो बना के दिखाएं तो आप विश्वास भी नहीं करोगे कि इतनी खतरनाक जगह पे चले कैसे गए। ये उतनी खतरनाक जगह है, ये देखिए। ये तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग बहुत इजीली जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हिम्मत करके गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब। ये दोस्तों रुके हम लोग रास्ते में, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, आप देख ही रहे होंगे पीछे। और हमने एक जगह कैंपिंग की है और खाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी कोई हो सकता है लाइट की वजह से आपको कुछ चीज़ क्लियर नज़र ना आ रही हो। ये देखिए अंधेरा, पूरा टोटल गुप अंधेरा है। और ये हम अपनी गोरखा में खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये टेबल वगैरह हमने लगाई है, गीता जी तैयारी कर रही हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी हमारा बाहर नाइट का। ये गीता जी तैयारी कर रही हैं खाने की, मैगी बना रहे हैं फिलहाल हम। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रात का, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी मन में धुक धुक भी है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र आप देखा ही होगा आपने, कितना ख़तरनाक एरिया था। कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ जीवन में पहली बार होती है। ये देखिए धुएं से पता चल रहा होगा आपको कितनी ठंड है यहाँ पर। ये मैगी बन गई है जी, देखिए। और खाने की तैयारी करेंगे। आ जाओ, आपको अपने हाथ का खाना खिलाएं। हाँ हाँ, आओ। ये बन गई है मैगी और ये यहाँ के लोकल यहाँ के हैं और इनको हम अपनी मैगी टेस्ट करा के दिखा रहे हैं कि जी हमारी मैगी कैसी बनी है। ये देखिए, ये गीता जी इनको टेस्ट करा रही है मैगी। ओ, एक टमाटर रह गया बीच में। पूरा साबुत? हाँ। कोई बात नहीं, ऐसे ये टमाटर सॉस डाल रही है। यहाँ के लोकल हैं, इनको हम टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। बन गई सही? नहीं, टेस्ट कीजिए। अल्लाह ना, ता तो सदा शिमला मिर्च सब चीज है इसमें, प्याज आराम से गरम है, गरम क्यों रे खाने बन खाना है तिलना है ता तो सदा कैसा बना है? कैसा बना? टेस्टी बना? नहीं बना? हाँ हाँ, टेस्टी है, टेस्टी है। चलो एक चीज मत पास होगी करना। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी, खाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना। वो कह रही है कि ना ये ना तुमने रेडीमेड बनाया, मगर रेडीमेड नहीं है। मैं एक सूप का पैकेट मिला दिया ना, तो इस बार वो लड़ाई कर रहे थे ना, कह रही मैं खाऊंगी, वो कह रही मैं खाऊंगी।
ये कोशिश कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है हमें नहीं पता। यहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। देखिए ये कैसे धुआं निकल रहा है। ये बर्तन वगैरह साफ कर रहे हैं जी। आज सुबह उठे हुए हैं हम लोग 4 बजे के, 4 बजे उठे थे हम लोग सुबह रे, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अब ये मैगी वगैरह खा ली है और अब इसके बाद में सोएंगे, गाड़ी में ही सोएंगे आज हम। और ये मीठा है जी साथ में चॉकलेट। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें भी पसंद आई होगी। इसमें रिस्क थोड़ा ज़रूर है क्योंकि हम कैंपिंग नहीं कर रहे, हो सकता है कहीं पे कोई सांप वगैरह कोई कीट पतंगा आ सकता है। तो हम गाड़ी में सो रहे हैं, खाना हमने यहाँ खा ही लिया। सुबह हमने कल फिर जल्दी उठेंगे और हमने आगे फिर 52 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है दोस्तों, अभी एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ। अभी जहाँ पर हम अभी गए थे, यहाँ आने के बाद में जब हम 50 किलोमीटर पहले बचे हैं, तो उसके बाद में हमारे को बोलते हैं कि आपको एक आदमियों का परमिट, गाड़ी का परमिट वगैरह तो हमने बना के चले थे बॉर्डर से सारा कुछ ही, और जो उसका रोड टैक्स था वो भी हमने पे कर दिया था। आदमी का परमिट भी बनता है, उसका 2000 रुपये एक नेपाली रुपए के हिसाब से 4000, मतलब हमने 2 आदमी का पे किया जी अलग से, और वो हमारे लिए एक अलग से दंड है। क्योंकि आप जितना पैसा लेके आए थे, हम सोच के लेके आए थे, मैं वहाँ से जितना पैसा लेके आया हूँ कि हमें कोशिश करनी है कि उतने के अंदर इसको पूरा करना है, लेकिन सब चीज़ बहुत एडिशनल हो रही है। 2 दिन के अंदर ही करीब 18000 से ऊपर खर्च हो चुके हैं अब तक। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। आप लोगों का साथ परिवार प्यार बना रहेगा, बढ़िया है हमारे। ये कंबल वगैरह ही सब निकाल दिया और गाड़ी में सोने की तैयारी है। देखते हैं हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्या होता है, कि सो पाते हैं या नहीं सो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटा वाला तकिया निकाल दो, सोते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। रात को हमने गाड़ी में स्टे किया था, इस टाइम भी हम गाड़ी में हैं। सुबह के 3:17 हो रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और अभी रात का टाइम है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पहाड़ों की चोटियों पे सब पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अब जैसे ही सूरज की थोड़ी सी रोशनी नज़र आएगी, हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सुबह 6:45 और ये देखिए पूरे बर्फ़ के पहाड़ जाम रुके हुए हैं। ये देखिए ये सारे बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में हम रुके हैं। और ये देखिए चंद्र देवता, ये बहुत ठंडी बर्फ़ वाली हवा चल रही है, इसमें आपको आवाज़ भी आ रही होगी हवा की, बहुत ही ठंड है। ये सामने पहाड़ है, इन पे भी बर्फ़ है। 6:45 का टाइम है लेकिन रोड पे अभी अंधेरा है, नहीं आ रही होगी आप लोगों को कैमरा। दोस्तों सुबह के 6:15 हो गए हैं, देखिए पीछे का नज़ारा, ये बहुत ज़बरदस्त ठंड है। ये वो नज़ारे हैं जो हम दूर दूर से देखते थे, आज हम बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं। ये देखिए ये हमारी गोरखा रात को इसी में सोए हैं, तैयारी कर रही है आगे जाने की। ये हवा देखिए कितनी तेज हवा चल रही है। जय हो मुक्तिनाथ महाराज, संसार की रक्षा करना, मेहर करना। चलते हैं दोस्तों आगे। ये दोस्तों हम लोग आगे चल रहे हैं, ये यहाँ के लोकल पर्यटक हैं, ये भी
आए हुए हैं सुबह सुबह का 6:20 का। इस लम्हे को हर कोई कैद कर रहा है अपने इसमें। देखिए कितनी भीड़ है सुबह के टाइम भी। बहुत ज्यादा भीड़ है उधर। इन लोगों ने रात में ही स्टे किया है इस होटल में। सेल्फी का क्रेज चल रहा है, सेल्फियां हो रही है। देखिए स्वर्ग को जाने वाला रास्ते का किस तरह इन्होंने बनाया हुआ है चित्र। ये इस तरह का गेट और बिल्कुल उसके सामने ये देखिए बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। ये देखिए दोस्तों, ये है कोई गुफा टाइप बना रखी है लोगों ने और यहाँ कोई रहता भी है। ये देखिए बिल्कुल बर्फ वाले पहाड़ के बिल्कुल नीचे यहाँ कोई रहता भी है। ये हम जा रहे हैं रोड से। ये देखिए बर्फ के पहाड़ों के बीचों बीच से मुक्तिनाथ जाने का रास्ते का मतलब है मुक्ति। ये जा रहे हैं हम लोग अपनी गोरखा में और ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये चलते हैं दोस्तों आगे। फिर आगे जी दुर्गम खड़े पहाड़ खतरनाक तरीके से। ऊपर देखिए बर्फ के पहाड़ और नीचे इतने, इसमें बच्चा स्कूल जा रहा है सुबह सुबह। देखिए जी और गाड़ी के उतरने से आपको गाड़ी के हिलने से पता चल रहा होगा ये खतरनाक पहाड़ों में। भारत के अंदर जो हमने यात्रा करी आदि क्लास की, ये यात्रा उससे काफी टफ है, कठिन है। ये बहुत ज्यादा कठिन यात्रा, उससे खतरनाक पहाड़ है यहाँ पे। नेपाल को ऐसे भी पर्वतों का देश बोला जाता है। ये देखिए जी हम जा रहे हैं पुल के ऊपर से। और पहाड़ की ऊंचाई पे उधर बिल्कुल एकदम अचंभित होने वाली रोड आए के बाद में एकदम ये देखिए कितने अच्छे मकान बने हुए हैं। ये इस जगह का नाम है टुकुचे मुस्टान, ये जगह का नाम है। पर एकदम बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब विश्वास नहीं होता। लगातार हमारे जब हम यात्रा में जाते हैं इसमें आदि कैलाश की में, तो वहां इतनी बसावट नहीं है, बहुत ज्यादा कम। लेकिन यहाँ बसावट कोई भी किसी तरह की दिक्कत वाली नहीं है। हर 2-4 किलोमीटर के बाद में ये देखिए ये लोकल दुकानदार, 2-4 किलोमीटर के बाद में इस तरह की कॉलोनियां गाँव आते रहते हैं। ये देखिए जी और बढ़िया नज़ारे। ये पूरा ठेठ गांव है एकदम, शेरपा, शेरपाओ का गांव, टुकोचे मुस्टांग। ये प्राचीन गांव है मारफा, ऐतिहासिक गांव है, जैसे मोनेस्ट्री वगैरह होते हैं उस तरह के। ये सामने देखिए ये इनके कोई प्राचीन मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा पुराना, जैसे
हजारों साल पुराने, बिल्कुल पुराने पुराने मकान हैं। स्पेशल रोक के आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और यहाँ होटल्स वगैरह भी बने हैं और हम लोग हैं अपनी गोरखा के साथ में। बहुत घुमा रही है हमारे को, काफ़ी कष्ट भी झेल रही है। दो तीन जगह गाड़ी लगी भी है नीचे से। नाले को पार कर रही है गोरखा। और यही चीज़ अगर आपको मैं बाहर से दिखा दूंगा तो आप कहेंगे जी बहुत ज़्यादा बढ़िया, ऊपर से भी रास्ता। ये एक और शानदार नजारा देखिए जी, ये दोस्तों यहाँ के एक और आए ऐतिहासिक गांव रास्ते में अब मिलते जा रहे हैं। पहले इस तरह नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन अब नज़र आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक गांव है काफ़ी। ये देखिए ऊपर मोनेस्ट्री, जिस तरह मोनेस्ट्री वगैरह होती है लेह लद्दाख में जैसे नज़र आते हैं उसी प्रकार के। मैं लेह लद्दाख तो कभी गया नहीं लेकिन जो फोटो में देखा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत पुराने गांव हैं, प्राचीन गांव। ये देखिए सूर्य की चौंध के बिल्कुल बीचों बीच और सुंदर दृश्य है। यहाँ पर एक और नई चीज बजाज का शोरूम और सर्विस सेंटर। ये देखिए जी इतनी ऊंचाई पे, वाह भाई वाह, धन्य है।